Assalamualaikum viewers, मैं मॉम विद थ्री सिबलिंग्स साथ आपके सामने अगेन हाजिर हूँ. आज हम लोग पेस्ट करेंगे बच्चों के लिए जो हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड और वाइट बोर्ड मंगवाया था, और वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से पेस्ट होता है. और उससे पहले किड्स के साथ हेलो हाय कर लेते हैं. हेलो किड्स, हाय, हाउ आर यू? ओके, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? वेयर इज अ ब्लैक बोर्ड एंड वाइट बोर्ड? प्लीज टेक इट वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन. Okay, where is blackboard, Manur? Okay, this is a blackboard, show me. And where is whiteboard? This is whiteboard. So, तो आज ये whiteboard and blackboard है, इसको हम paste करेंगे. उसके लिए सबसे पहले तो हमें जगह ढूँढनी है कि कहाँ पे हमने paste करना है. और जो इरादा मेरा बन रहा है, हाँ जी बोलो. हम लोग के यहाँ लगा सकते हो और वहाँ वहाँ नहीं लगा सकते दरवाजे में, वो बिल्कुल. सो हमारा जो इरादा है वो है इस वॉल पे लगाने का, या तो इन दोनों पे इकट्ठे, या फिर एक उस वॉल पे और एक इस वॉल पे. उसके लिए हमें ये वॉल्स क्लीन करनी पड़ेंगी, क्योंकि वॉल्स काफ़ी ख़राब हुई हैं पिछले साल. इनकी जब छुट्टियाँ हुई थी तो इनके लिए मैंने एक तो ये एक्सो एक्सो गेम बनाई थी, और दूसरा वहाँ पर मैंने इनका वो एग ड्रेस के साथ जो है वो बना के तो उसको हैंग किया था. अब तो खैर वो है नहीं जो आपको नज़र आए, सिर्फ उसकी हैंगिंग के लिए जो कीलें लगाई थी वो पड़ी हुई हैं, और यहाँ पे जो है ना वो जो टेपें लगाई थी वो लगी हुई हैं. अभी हम इसको क्लीन करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हम इसको पेस्ट करेंगे. पहले हम इसको क्लीन करेंगे. Thank you.
आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी और इसके साथ साथ आपको अंदाज़ा भी हो गया होगा कि एक तो ऑनलाइन शॉपिंग करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, दूसरा ये कि इस तरह की जो चीज़ें मिलती हैं बाज़ार से स्टिकी वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड, वो मतलब ठीक है बच्चों के हिसाब से ठीक है, दीवारें गंदी करने से तो बेहतर है, अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो आप ये लेके इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी भी वक्त आप इनको उतार भी सकते हैं, क्योंकि चूँकि ये स्टिकी है तो इसलिए ऐसा इनका कोई तमड़ा इशू नहीं है और इससे आपकी दीवारें बच जाएंगी, वो ख़राब नहीं होंगी। वरना छोटे बच्चे जो हैं वो मोस्टली जब इनको नया नया पेंसिल से लिखना शुरू होते हैं तो फिर उनको दिल करता है बस कहीं पे भी जहाँ पे जगह मिले वहाँ हम लिखें, अभी भी मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए उसके बावजूद दीवारों पे लिखा हुआ होता है। तो बहरहाल उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ को ईजिली देख सकें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और अल्लाह हाफिज़, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। ओके किड्स, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। कुछ बनाना है।